है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई, तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग ऑटोमेशन पढ़ने जा रहे हैं। ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का पहला यूनिट है ऑटोमेशन, और ये जो है सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के टुडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज बिना ऑटोमेशन का दुनिया में कोई चीज़ संभव नहीं है आज के डेट में। आपका लाइफ स्टाइल जो है सो बिल्कुल रुक जाएगा अगर ऑटोमेशन बंद हो जाएगा तो। आखिर ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन बेसिकली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड किससे लिया गया है बताओ? एक जो है सो ऑटो, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड में आपका ऑटो है, एक ग्रीक वर्ड में आपका ऑटो, ऑटो प्लस प्लस आपका एक आपका ऑटो है ग्रीक वर्ड, ठीक है। और एक मेटॉस ग्रीक वर्ड है, मेटॉस है। और देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और मेटॉस का मतलब होता है मोशन, यानी कि सेल्फ मोशन में वैसा सिस्टम जो कि सेल्फ मोशन में अपने आप मोशन में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोमेशन बोलेंगे। यानी कि ऑटोमेशन कहने का मतलब है कि वैसा मैकेनिज्म सिस्टम का जो कि इट्सेल्फ क्या करता है, रन करता है, मूव्स करता है, क्या इट्सेल्फ मूव करेगा, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोमेशन बोलेंगे, ठीक है। और ऑटोमेशन मीन्स मतलब बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रोल बोल सकते हैं। ऑटोमेशन मीन्स ऑटो कंट्रोल, यानी कि अपने आप कंट्रोल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोमेशन। आखिर ऑटोमेशन अपने आप क्यों कंट्रोल जरूरत पड़ा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको प्रोडक्शन कम मिल रहा होगा, जी डिमांड ज़्यादा हो गया होगा कोई भी प्रोडक्ट का। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके घर में सेलिंग फ़ैन है, तो सेलिंग फ़ैन है फॉर एग्जांपल, या अगर आदमी इसको टोटल पार्ट्स को अगर बनाता तो हो सकता है कि हर घर में सेलिंग फ़ैन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उससे ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इसको अगर कंपनी बना रहा है, बल्क मात्रा में बना रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम बना रहा है, तो जितना मन चाहे उतना फ़ैन को बना सकते हैं। यानी कि ऑटोमेशन के द्वारा काम क्या हो गया? आसान हो गया और बल्क प्रोडक्शन आपका होने लगा। और देखिए ऑटोमेशन इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का सेट है बाय विच मशीन एंड सिस्टम ऑपरेट इफिशियंटली एंड ऑटोमेटिकली एंड गिव सुपीरियर परफॉर्मेंस देन मैनुअल कंट्रोल। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो ऑटोमेशन जो है टेक्नोलॉजी का सेट है, जिसमें आउटपुट जो मिलता है ऑपरेशन के दौरान जो आउटपुट मिलता है ह्यूमन कंट्रोल से ज़्यादा अच्छा मिलता है। मैनुअल कंट्रोल मतलब आदमी के द्वारा कंट्रोल, और आदमी के द्वारा जो भी कंट्रोल होगा उससे अच्छा कंट्रोल मिलेगा कब? जब सिस्टम क्या होगा? ऑटोमेटेड होगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, तब क्या होगा? ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, जो कि क्या है? बहुत ही अच्छा है। क्लियर? आगे बात करते हैं कि ऑटोमेशन इज लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। अब जब ऑटोमेशन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कोई अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम लेथ मशीन का बात करें, अगर मान लीजिए कि हथौड़ा से आदमी पीट पीट करके काम करता तो बहुत सारा मैन पावर का जरूरत पड़ता, लेकिन एक लेथ मशीन क्या हो रहा है? बहुत सारा काम कर दे रहा है, अकेले काम कर रहा है। यानी कि जो 10 आदमी मिलकर काम कर सकता था, 20 आदमी मिलकर के काम कर सकता था, वो अकेले लेथ मशीन काम कर दे रहा है, एक आदमी मिलकर के काम कर सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि ऑटोमेशन जो है ये सेविंग आपका लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी है। यानी कि इसमें क्या है? लेबर को सेव करते हैं। लेबर से मतलब जो काम 20 आदमी कर रहा था एक ही आदमी काम करने लगा, केवल उसमें गाइडलाइन आपको प्रोग्रामिंग आपको सेट करना पड़ेगा कि ऐसा करना है लेथ मशीन को। और लेथ मशीन से भी बड़ा आ गया, कैसे CNC मशीन आ गया जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है। बात समझे? फ्लेक्सिबल है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। पहले देखते होंगे कि कोई चीज़ पेंटिंग करना रहता होगा हाथ से करते होंगे, अब क्या फ्लक्स मशीन आ गया है। फ्लक्स मशीन में जैसा चाहे वैसा निकल जाता है, वो बल्क मात्रा में निकल जाता है। ये किसका देन है? ऑटोमेशन का है। और बहुत ज्यादा आदमी का वहां जरूरत नहीं है, केवल एक आदमी प्रोग्रामिंग सेट किया, इस टाइप का आपका बैनर निकलना है, निकल गया। तो ऑटोमेशन से क्या है, आप 50 आदमी 20 आदमी का काम एक आदमी कर ले रहा है ऑटोमेशन से, तो बोल सकते हैं बेरोजगारी बढ़ेगा, लेबर हमारा कमेगा। लेबर कमेगा तो ऑटोमेटिक है प्रोसेस प्रोसीड्यूर परफॉर्म विथ मिनिमम ह्यूमन असिस्टेंट, यानी कि कम से कम उसका आदमी की जरूरत पड़ेगा। तो बताइए सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगा? इम्प्रूव होगा। और कॉस्ट क्या होगा? मिनिमाइज होगा। होगा कि नहीं? अगर आदमी अगर कम लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि जो रनिंग कॉस्ट है, आदमी का जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या होगा? कम से कम लगेगा ना, तो अच्छा बात है ना। ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेशन बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से ज़्यादा ऑटोमेशन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि ऑटोमेशन जो है इंक्लूड मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर, यूजुअली इन कम्बिनेशन सच एज एयरप्लेन, सीप, मॉडर्न फैक्ट्री टाइपिकली यूज द कम्बिनेशन कंबाइंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि ऑटोमेशन में कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है
जैसे कि देखे होंगे इलेक्ट्रिकल लैब में ही, फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिकल लैब में आपका इलेक्ट्रिकल भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिवाइस है, वहाँ मैकेनिकल भी कुछ कुछ रहता है, और साथ ही साथ अब कंप्यूटर सिस्टम भी हो गया, प्रोग्रामिंग भी हो गया, तो सारा को अगर हम एक साथ मिला देते हैं, जैसे सीएनसी मशीन है तो सीएनसी प्रोग्रामेबल है, यानी कि उसमें एक बार प्रोग्राम सेट किए, प्रोग्राम मतलब क्या, उसमें कंप्यूटर सिस्टम भी है। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में देखिए प्रोग्रामिंग सेट से सारा कुछ चलता है, एयरक्राफ्ट है, सीप वगैरह है, उसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी है, उसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस भी है, साथ साथ उसमें मैकेनिकल एनर्जी भी होता है। तो आज के डेट में जो भी ऑटोमेशन आ रहा है, ये सब कंबाइंड टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, सिंगल टेक्नोलॉजी उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए क्या आ रहा है बताइए, कंबाइंड टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, जिससे कि ऑटोमेशन में और ज़्यादा अच्छाइयाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा, द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन इंक्लूड लेबर सेविंग, ऑलरेडी बता दिए कि 20 आदमी का काम अकेले कर रहा है, सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, अगर बताइए अगर एक एक आदमी मिल करके काम करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बल्क मात्रा में अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, साथ ही साथ सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट, जैसे कि आदमी बनाएगा तो हो सकता है बहुत सारा वेस्टेड भी चला जाएगा, ठीक है, और कम प्रोडक्शन होगा तो आपको सामान खरीदने में क्या होगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन यही बल्क में अगर कर रहे हैं तो मिनिमम सामान होगा और उसमें वेस्टेज क्या होगा, कम होगा, तो मटेरियल का कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होगा, इम्प्रूवमेंट टू प्रोडक्ट क्वालिटी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और साथ ही साथ आदमी में देखिए कोई मोटा हो जाएगा, मान ली रेड ही बना रहे हैं तो आदमी कहीं पर मोटा कर देगा, कहीं पर पतला कर देगा, बेस्ट क्वालिटी नहीं रहेगा, साथ ही साथ अगर मशीन बनाता है तो बिल्कुल एक साइज का रड बनाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, ये हमारा एक्यूरेसी भी, यानी कि एक साइज बनाएगा तो क्या होगा, क्वालिटी वाला भी रहेगा, एक्यूरेसी भी रहेगा, प्रिसीजन करने का मतलब बार बार रिपीट करना, यानी कि जो साइज हम सेट कर दिए प्रोग्रामिंग बिल्कुल वही साइज का रहेगा, प्रिसाइज वैल्यू रहेगा, तो क्या होगा, बहुत अच्छा है, यानी कि ऑटोमेशन से हमारा बहुत चीज़ लाभ है, लेबर सेविंग हो रहा है, कॉस्ट में रिडक्शन हो रहा है, इसके अलावा मटेरियल कॉस्ट में आपका क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, बात समझे, ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि ऑटो ऑपरेट है, जैसे कि आप कहीं मॉल वगैरह में जाते होंगे तो देखे होंगे कि दरवाज़ा आप नज़दीक जाते होंगे सेंसर खुल जाता होगा, सेंसर से आपका दरवाज़ा खुल जाता है कि नहीं खुल जाता है, तो क्या ऑटोमेटेड सिस्टम है कि नहीं, ऑटोमेटेड सिस्टम है, जैसे कि हम बताए थे अगर कुआं से पानी भरना है तो पहले के ज़माना में बकेट से भरते होंगे, अब क्या स्विच टिपे मोटर का और मोटर पानी भर दिया आपको टंकी तक चला गया, तो क्या ऑटोमेटेड है, आप हैंड पंप से पानी ऊपर निकाल के पीते थे, अब क्या सीधा टैप डालते हैं, तो सब क्या ऑटोमेशन है ना, तो ऑटोमेशन से लाइफ स्टाइल क्या हो गया, ईजी हो गया है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल क्या हो गया, ईजी हो गया है ऑटोमेशन के द्वारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि आप अब मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ऑटोमेशन के थ्रू ही देख रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन है, बहुत ही खर्च से एप्लीकेशन बना है, इसमें बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तब जा करके जैसे कि आप इसमें वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को स्पीड में बढ़ा के देख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारा इसमें फंक्शन है जो कि आपका बहुत सारा स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो ये भी एक तरह का क्या ऑटोमेशन ही है, यानी कि ऑटोमेशन जो है सेल्फ रेगुलेटेड है, बिल्कुल अगर जो स्टूडेंट यहाँ परचेज किया है वही स्टूडेंट देख सकता है, यानी कि एक तरह का प्रोग्रामिंग सेट हो गया, आप कोर्स को परचेज किया एप्लीकेशन में तो केवल क्या आप ही देख सकते हैं इसको, तो क्या हो सकता है, बोल सकते हैं ना सेल्फ ऑटोमेटेड है, यानी कि वैसा सिस्टम जो सेल्फ मूविंग है, सेल्फ ऑटोमेटेड है, और उसमें क्या होता है, मानव का, आदमी का, लेबर का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक ही आदमी 10 आदमी 20 आदमी का काम कर सकता है, यहाँ तक बात समझे, इसको पहले नोट डाउन लीजिए, इसको हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन पॉइंट हम लोग बताते हैं, इसको आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए, कंक्लूजन बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, ए टू जेड सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट एसी मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिले, अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा, फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप, आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप, और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर है 70504043, इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा, उसके बाद आपका
ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे चार पांच आइकन बना होगा, एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा। तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है, स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा, ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा कोर्स में। एक आपका फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का, इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा सर्च करना है, डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं, ठीक है। जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में बहुत सारा कोर्स गया है, लेकिन आपके लिए क्या डिप्लोमा 5 है, क्लियर है। इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ आपको दिखाएगा, एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट। अच्छा से नहीं दिख रहा, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा, और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा, अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है, अभी से क्लास स्टार्ट होगा। और एक क्लास आपका 15th November तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 November है, इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए, तब 15 November डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कितना 70 50 40 30 84, बहुत ही खूबसूरत नंबर है 7050403084, इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्लियर है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं, हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम लोग कंक्लूजन निकाले, अभी जितना बात बोले कि ऑटोमेटेड सिस्टम है क्या, उसी को कंक्लूड कर रहे हैं यहां पर, यानी क्या है, ऑटोमेटेड सिस्टम इज द सिस्टम, एक ऑटोमेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम है दैट इज यूज टू रिड्यूस द नीड्स ऑफ ह्यूमन वर्क, जो कि आदमी के वर्क को क्या करता हो, रिड्यूस कर देता है। कौन सा सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है कोई भी फील्ड में, मेडिकल फील्ड हो या फिर आपका बिल्डिंग वाला फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड हो, कोई भी फील्ड में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें ह्यूमन के नीड्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जो भी प्रोडक्शन गुड्स या सर्विस में हम लोग यूज करेंगे। जैसे गुड्स वगैरह कोई मटेरियल पैदा हो रहा है, सर्विस जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी एप्लीकेशन है, बेस का एप्लीकेशन है, तो बेस का एप्लीकेशन क्या है, रिड्यूस कर दिया है ह्यूमन इफेक्ट को। कैसे, जैसे कि हम ऑफलाइन बैचेज में एक बैचेज में मैक्सिमम हम 200 बच्चे को पढ़ाते थे, 200 पर बैच में स्टूडेंट रहता था मैक्सिमम। अभी आप क्लास में आप हजारों की संख्या में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मान ले कि लिमिट नहीं है, अभी लगभग 600-700 बच्चे इनरोल ऑलरेडी हो गए हैं, हो सकता है और बच्चे इनरोल होंगे, 1000+ में चले जाएंगे, तो 1000+ में चले जाएंगे तो क्या है, ए अगर 1000+ बच्चे को हमको पढ़ाना रहता है तो 5 times पढ़ाते या नहीं पढ़ाते, यस या नो, लेकिन इसमें क्या है, एक ही बार में आपको पढ़ा दे रहे हैं 1000 बच्चा को, तो क्या हो गया बताइए, सेविंग हुआ कि नहीं, हम इतना बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। अब इतना बच्चे को अगर 5 अलग अलग बैच रहता, अगर टाइमिंग सेम ही है तो 5 टीचर मिलकर पढ़ाते, लेकिन यहाँ के हम एक ही टीचर मिलकर पढ़ा दे रहे हैं, तो क्या आपका टाइम सेविंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। साथ ही साथ क्या मैन पावर का कटिंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल। 5 टीचर जो मिलकर पढ़ाते हैं, हम अकेले पढ़ा दे रहे हैं, कितना बेहतरीन खुशी की बात है, सारा लोग हमसे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन सारा लोग हमसे पहले नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास भी कमी थी, आपके पास भी कमी थी, क्योंकि आप पटना नहीं आ पाते थे और हम एक साथ 200 बच्चे से ज़्यादा नहीं बैठा पाते थे, लेकिन एप्लीकेशन के माध्यम से आप 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई बैच में 2000 बच्चे पढ़ेंगे, कोई भी सेमेस्टर में कोई में 3000 पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या है कि इतना सारे को हम केवल बताइए एक आदमी मिलकर पढ़ा रहे, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए कम से कम हमको 5-6 टीचर का जरूरत पड़ता, तब जाके उतना बैचेज को हम लोग हैंडल कर पाते हैं। यस या नो? तो ऑटोमेशन के कारण काम क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया ना। तो ऑटोमेशन से बिल्कुल कोई भी चीज़ क्या हो जाता, आसान हो जाता है। ऑटोमेशन सिस्टम के कारण ही आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। अदरवाइज आप मान लीजिए कि कोई भी जिला में है, आप बिहार में हैं, झारखंड में हैं, यूपी के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे हैं, या फिर आपका कोई भी स्टेट के बच्चे हैं, कर्नाटका के बच्चे हैं, या फिर बिहार के कोई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, छपरा, मोतिहारी, गोपालगंज, आरा, छपरा, भोजपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, अरवल, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन जो पटना में मेरे पास आते हैं वही बिलोंग्स मेरे से पढ़ पाते हैं। यस या नो? तो ये सब किसका कमाल है बताइए? ऑटोमेशन का कमाल है, बताइए, कमाल है बिल्कुल। दे हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स प्रोडक्ट। यानी कि बताइए, क्वालिटी एजुकेशन हम दे पा रहे हैं आपको बिल्कुल क्वालिटी में, लेकिन अगर यही हम फॉर एग्जांपल आपको क्या मुश्किल से हम एक दिन में 2-3 लेक्चर अगर हम दे पाते हैं आपको, तो क्या वो क्वालिटी लेक्चर होता है? लेकिन अगर हम सुबह से शाम तक ऑफलाइन बैच में पढ़ाते रहते हैं तो इतना क्वालिटी हो पाता क्या? नहीं हो पाता। यानी कि सिर्फ क्वालिटी भी है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, मैन पावर की भी कमी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? आगे, आइडियल कंडीशन में कोई भी अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है तो आइडियल सिस्टम में नो ह्यूमन वर्क, कोई ह्यूमन वर्क नहीं करता है, एक्सेप्ट उसमें कुछ कंट्रोलिंग का ऑप्शन होगा, ऑक्सिलरी फंक्शन, ऑक्सिलरी मतलब सहायक कुछ फंक्शन, मेन फंक्शन नहीं, सहायक फंक्शन होगा, सच एज टूल चेंजिंग, सच एज लोडिंग एंड अनलोडिंग पार्ट्स, कोई पार्ट्स को लोड करना, जैसे वीडियो लोड करना, अनलोड करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी, कुछ रिपेयर करना है, कुछ ख़राब हो गया तो मेंटेन करना है, उसको छोड़ा करके और आदमी का जरूरत इसमें नहीं पड़ता है। सारा काम क्या करता है, मशीन करता है, ऑटोमेटेड सिस्टम करता है। मॉडर्न ऑटोमेटेड सिस्टम आर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑपरेटिंग अंडर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर कंट्रोल है, जो भी मॉडर्न ऑटोमेटेड सिस्टम है क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है। क्लियर है? यहाँ तक हम आशा करते हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला हम बात करेंगे जस्ट अभी नीड्स ऑफ ऑटोमेशन, इसको पहले नोट कीजिए, नीड्स ऑफ ऑटोमेशन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑटोमेशन का क्या नीड है, नीड्स ऑफ ऑटोमेशन, क्यों ऑटोमेशन हम लोग करते हैं। टू ऑटोमेशन इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम और इंडस्ट्री। हम चाहते हैं कि सिस्टम का प्रोडक्टिविटी या इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जितना बना रहा है उससे और इंक्रीज करे, इसके लिए क्या चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, अभी प्रोडक्शन उसको मान लीजिए कि 100 यूनिट है, अगर 100 यूनिट है वो चाहता है कि 500 यूनिट करें, तो कितना भी लेबर चाह जाएगा उस इंडस्ट्री का तो नहीं हो पाएगा। तो लेकिन अगर बड़ा बड़ा मशीन ले आ जाए, ऑटोमेटिक मशीन ले आ जाए, तो ऑटोमेटिक है कि प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हमारा प्रोडक्शन रेट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना है तो उसके लिए क्या, ऑटोमेशन हमारा ज़रूरी है। क्लियर? दूसरा बात करते हैं, ऑटोमेशन रिड्यूस द मैन पावर और लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ द लेबर। यानी कि मैन पावर को घटा देता है। जैसे कि अभी बताएं कि 100 यूनिट आपको प्रोडक्शन चाहिए, अगर 400 अगर चाहिए तो आप क्या करते हैं, जैसे पहले जमाना में लेबर को इंटेंसिव देते हैं, कितना काम कर देगा तो क्या करेंगे, और ज़्यादा बोनस के रूप में देंगे। तो वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम में करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेशन मशीन जो है सो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ों को कर लेगा, उसके लिए कोई इंटेंसिव देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैन पावर आपको रिड्यूस हो जाएगा, मैन पावर लेबर पर जो कॉस्ट आप खर्चा कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेशन सिस्टम में एट ए टाइम इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन मैन पावर और ये सब रनिंग कॉस्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल कम जाता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, ऑटोमेशन प्रिवेंट प्रोडक्ट और मटेरियल फ्रॉम बीइंग डैमेज और डिस्ट्रॉयड। अगर ऑटोमेशन से एक साइज का एकदम बिल्कुल प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन मैन बना रहा है 10 आदमी है, तो उसमें हो सकता है कि साइज में कुछ अंतर आ जाए जो कि गड़बड़ होगा। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, इस तरीके से यदि हम बात करेंगे तो ऑटोमेशन प्रिवेंट प्रोडक्ट और मटेरियल फ्रॉम बीइंग डैमेज और डिस्ट्रॉयड। डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉयड ना हो, इससे क्या करता है बताइए, प्रिवेंट करता है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटेड सिस्टम में रॉ मटेरियल का बर्बादी जो होता है उससे कम होता है, डिस्ट्रॉयड क्या होता है, कम होता है, बोल सकते हैं। बाय ऑटोमेशन स्टोरेज ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ लेबर इज शॉर्टेज और नॉट ए प्रॉब्लम, इंडस्ट्री कैन बी रन एट एनी लोकेशन विथ मिनिमम मैन पावर। कहने का मतलब है, अगर सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है तो
आप क्या कर सकते हैं, कम से कम मैन पावर से कोई भी कोना से चला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो है बेस टेक्निकल एकेडमी का ही अगर हम बात करें तो बेस टेक्निकल एकेडमी में जैसे ऑफलाइन में बहुत सारे सर पढ़ा रहे थे, अभी मैं क्या आपका इलेक्ट्रिकल पूरा अकेले ही लगभग मैं देख रहा हूँ, तो क्या बताइए मैन पावर का कमी होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ बेस टेक्निकल एकेडमी मोबाइल ऐप, यानी कि वो एक तरह का क्या ऑटोमेटेड सिस्टम है। और हम चाहें कोई ज़रूरी नहीं कि हम पटना से भी पढ़ा रहे थे पटना से ही पढ़ाएं, हम दिल्ली जाके भी पढ़ा सकते हैं तभी आप देखिएगा, हम मुंबई में जाके पढ़ाएंगे तब भी देखिएगा, इलाहाबाद में पढ़ाएंगे तब भी देखिएगा, जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि हम ऑस्ट्रेलिया चले जाए तब भी आप देख पाइएगा। यानी कि कोई भी लोकेशन से कम मैन पावर में ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तब भी आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन का क्या आपका फ़ायदा है। बाई ऑटोमेशन वर्क इज मेड फास्टर, इट इलिमिनेट द एक्टिव पार्टिसिपेशन टू द सुपरवाइजर रोल। अब देखो हमारा ऑटोमेशन से बहुत तेज़ी से काम होने लगता है, बहुत तेज़ी से फास्टर रेट में काम होने लगता है। जो प्रोडक्शन आप एक दिन में 100 यूनिट कर रहे थे, हो सकता है ऑटोमेटेड सिस्टम से एक दिन में 500 1000 इस टाइप से प्रोडक्ट आपको निकालना चालू कर दें, यानी फास्टर रेट होगा। और फास्टर रेट के साथ साथ जैसे कि अगर मान लीजिए ऑटोमेशन नहीं होगा तो बहुत सारा लेबर होगा, लेबर के ऊपर क्या होगा सुपरवाइजर होगा, तो सुपरवाइजर फिर आगे बताएगा कितना प्रोडक्ट हुआ इस टाइप से। लेबर सुपरवाइजर रिलेशनशिप यहाँ ऑटोमेशन सिस्टम आने से लगभग मिनिमम हो जाता है, कम से कम हो जाता है, निग्लेक्ट कर देते हैं। ऑटोमेशन रिड्यूस प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम। ऑटोमेशन रिड्यूस प्रोडक्ट क्वालिटी, गड़बड़ हो गया, ये हमारा रिड्यूस नहीं करता है, हमारा इंक्रीज करता है। क्या करता है बताइए, इंक्रीज करता है क्या इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी को, यानी कि प्रोडक्ट के क्वालिटी को इंक्रीज करता है, या फिर बोल सकते हैं कि ये रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम, यानी कि कम समय में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट क्या करता है बनाता है। क्लियर है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल इज ए फिजिबल एंड अल्टरनेटिव टू द मैनुअल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि मटेरियल इज फिजिबल कहने का मतलब उसमें बहुत सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें बहुत सारा कंट्रोलिंग ऑप्शन है, प्रोग्रामिंग चेंज कीजिएगा तो साइज चेंज हो जाएगा, टूल चेंज कीजिएगा तो साइज चेंज हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फिजिबल है, जो कि आदमी कर सकता है वो ऑटोमेटेड सिस्टम कर सकता है। और ऑटोमेटेड सिस्टम का फ़ायदा यह हुआ कि क्यों नीड्स पड़ा, क्योंकि कम से कम आदमी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो प्रोडक्शन हो, कॉस्ट कम लगे, रॉ मटेरियल का बर्बादी कम हो, ये सब ले करके हमारा ऑटोमेशन का क्या हुआ नीड्स पड़ा। क्लियर है? तो हम लोग इतना पढ़े इस लेक्चर में, आगे लेक्चर में और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।